जिंदगी उसी की जिसकी मौत पे जवाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है मरने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे बहुत से चेहरे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन याद सिर्फ वही रहते हैं जिन्होंने इस देश और समाज को अपनी एक अलग छवि दी है, अपना एक अलग रूप दिया है और अपनी एक अलग दिशा दी है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ, दो शब्द हैं दया और निस्वार्थ भाव, तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? कहते हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए जीता है, वही महान होता है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे ही शख्स के बारे में जिनका नाम है मदर टेरेसा, जो भारत की नहीं होने के बावजूद वह भारत आई और यहाँ के लोगों से असीम प्रेम कर बैठी और यहीं आगे का उन्होंने जीवन बिताया और उनके महान और अनेक महान कार्य किया। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हैप्पी नो टीवी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें हैप्पी नो टीवी को और प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मदर टेरेसा एक ऐसा नाम है जिसका स्मरण होते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर उठता है और चेहरे पर एक खास आभा उमड़ जाती है। मदर टेरेसा एक ऐसी महान आत्मा थी जिनका हृदय संसार के तमाम दीन, दरिद्र, बीमार, असहाय और गरीबों के लिए धड़कता था और इसी कारण उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनके सेवा और भलाई में लगा दिया। उनका असली नाम आर्गेंस ओझा था। अल्बेनियन भाषा में गोंझा का अर्थ फूल की कली होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मदर टेरेसा एक ऐसी कली थी जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही गरीबों, दरिद्रों और असहायों की जिंदगी में प्यार की खुशबू भर दी थी। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कॉप्चे, जो कि अब मैसेडोनिया में है, हुआ था। उनके पिता, जिनका नाम निकोला था, एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम आर्गेंस गोंझा था। जब वह मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता परलोक सिधार गए, जिनके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता द्राना के ऊपर आ गई। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। वह एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना उन्हें बेहद पसंद था और वह और उनकी बहन पास के गिरजाघर में मुख्य गायिका थी। ऐसा माना जाता है कि जब वह मात्र 12 साल की थी तभी उन्हें यह अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी और 18 साल की उम्र में उन्होंने
अंग्रेजी सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोरेटो की सिस्टर्स इसी माध्यम में बच्चों को भारत में पढ़ाती थी। सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वह एक अनुशासित शिक्षिका थी और विद्यार्थी उनसे बहुत स्नेह करते थे। वर्ष 1944 में हेड मिनिस्ट्रेस बन गई। उनका मन शिक्षण में पूरी तरह रंग गया था, पर उनके आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी उनके मन को बहुत अशांत करती थी। 1943 के अकाल में शहर में बड़ी संख्या में मौत हुई और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगों ने तो कोलकाता शहर की स्थिति और भयावह बना दी। वर्ष 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों के जीवन पर्याप्त मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई और वहां से पहली बार तालतला गई, जहां वह गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रही। मदर टेरेसा मरीजों के घावों को धोया, उनकी महरम पट्टी की और उनको दवाइयाँ दी। धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्य से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री में शामिल थे, जिन्होंने उनके कार्यों की सराहना की। मदर टेरेसा के अनुसार इस कार्य में शुरुआती दौर पर बहुत कठिन हुआ था। वह लोरेटो छोड़ चुकी थी, इसलिए उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। उनको अपना पेट भरने तक के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ी। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत उथल पुथल हुई, अकेलेपन का एहसास भी हुआ और लोटेरों की सुख सुविधा में वापस लौट जाने का ख्याल भी आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लोरेटो की सुख सुविधा में वापस लौट जाने का ख्याल भी आया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई। इस संस्था का उद्देश्य भूखों, निर्वस्त्रों, बेघर, लंगड़े लुल्हों, अंधों से ग्रसित और ऐसे लोगों की सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का आरंभ मात्र 13 लोगों के साथ हुआ था, पर मदर टेरेसा की मृत्यु के समय 1997 4000 से भी ज़्यादा सिस्टर्स दुनिया भर में असहाय, बेसहारा, शरणार्थी, अंधे, बूढ़े, गरीब, बेघर, एड्स के मरीज और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा की कर रही है। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय का ध्येय असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों का सेवा करना था जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया हो। निर्मला शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता।
यह कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुआ। जब वह भारत आई तो उन्होंने यहाँ बेसहारा और विकलांग बच्चों और सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आँखों से देखा। इस सब बातों से उनके हृदय को इतना द्रवित किया कि वे उनसे मुंह मोड़ने का साहस नहीं कर सके। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। मदर टेरेसा, भारत सरकार ने उन्हें पहले पद्मश्री 1965 और बाद में देश के उच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1980 में अलंकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें वर्ष 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 से नवाजा। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की $1,92,000 की धनराशि को गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। वर्ष 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार हार्ट अटैक आया। उस समय मदर टेरेसा रोम के पॉप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई थी। उसके पश्चात वर्ष 1989 में उन्हें दूसरा हृदयाघात आया और उन्हें कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया। साल 1991 में मेक्सिको में न्यूमोनिया के बाद उनके हृदय की परेशानी और बढ़ गई। इसके बाद उनकी सेहत लगातार गिरती रही। 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया के पद को छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में उनका देहांत हो गया। उनकी देहांत के समय तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4,000 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थी, जो विश्व के 121 देशों में समाज सेवा में कार्यरत थी। मानव सेवा और गरीबों की देखभाल करने वाली मदर टेरेसा को पॉप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में धन्य घोषित किया। मदर टेरेसा का कहना था, यदि हमारे बीच शांति की कमी है तो यह केवल इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर उनकी यह शिक्षा समाज अपनाता रहे तो निश्चित रूप से एक नई दिशा मिलेगी और सामाजिक सौहार्द हमेशा बना रहेगा। ऐसी महान इंसान को मैं करती हूँ नमन। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको अपने देश के इस महान इंसान पर गर्व है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।